नमस्कार दोस्तों, एके न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि हम छोटी बड़ी न्यूज़ आपको अपडेट करते हैं, और आज हम यहाँ पे पता लगा था जिस तरह की ये NH-71 के ऊपर जो खटखट गांव के अंदर टोल पर जो होना था, बहुत ही कम टाइम उसको हुआ है। और एक छोटा सा तूफान जो एक बार इतने इस टाइम पे अभी आया है, और जो कि सीज़न भी है, तूफान भी आ सकता है, बारिश भी आ सकती है, उस तूफान ने जितना पब्लिक का पैसा है वो मिट्टी में मिला दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से और किस कॉन्ट्रैक्टर को के ज़रिए काम करवाती है, या कैसा मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है जिसमें कि सारा का सारा ढेर हो गया है। आप देख सकते हैं ये कबाड़ के अलावा कुछ नहीं रह गया। एक टोल को बनाने में कितना पैसा लगता है, और जो पब्लिक यहाँ पर आती जाती है वो कितना टैक्स पे करती है यहाँ से निकलने का, उसके बावजूद यहाँ पर जो मटेरियल है वो धरती के अंदर धूमिल हो गया है। जितना भी माल लगाया हुआ है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हवा में छुर हो चुका है। और इस तरह से यहाँ पे काम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काम होते हैं वो दाम महंगे होते हैं, लेकिन जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो उसके अंदर लगाने की जो चीज़ है वो घटिया लगाई जाती है, जिससे जैसे वो सपोर्ट ही नहीं करते उसको, उसकी वजह से वो मिट्टी में मिल जाता है। आप देख सकते हैं पूरा पूरा कचरा है। और जिस दौरान ये तूफान आया था तो सुनने में यह है कि जो यहाँ पे कर्मचारी थे उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई है। उसके लिए भी हम बात करेंगे, यहाँ पे जो भी सरकारी अधिकारी मौजूद होगा उससे भी हम बात करेंगे। आपको हम अपने चैनल पे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पे मटेरियल बिखरा पड़ा है, और जो टोल प्लाजा की छत है वो हवा में उड़ चुकी है। वहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं तो स्तंभ, जिसके ऊपर जो ऊपर छत बनाई गई थी जिस तरह से कवर किया गया था धूप से, अब वहाँ पे धूप में काम करना पड़ रहा है जो भी वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा रोड पे और साइड के अंदर पूरा कचरा फैला हुआ है। जितनी भी मटेरियल जितना भी यहाँ पे पड़ा था वो ज़मीन पे है, तो ये एक महज तूफान को नहीं झेल सकता, तो इससे ज़्यादा हमारी नाकामयाबी क्या होगी। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसकी भी कमी है, अधिकारी की कमी है या गवर्नमेंट की कमी है या कॉन्ट्रैक्टर की कमी है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि हम इसका किस तरह का मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो एक तूफान को नहीं झेल सकता। और बात करते हैं हम जिस भाई अच्छी क्वालिटी और विकास की, तो क्वालिटी और विकास कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स वसूली के लिए लाइन लगी हुई है, दिन में कितना टैक्स यहाँ से जा रहा है, पब्लिक का पैसा जो जेब में जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसको सही तरीके से यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ये मेहनत की कमाई नहीं है? क्या ये जो निकल रहे हैं यहाँ से इनकी कोई मेहनत की कमाई की कोई वैल्यू नहीं है? आफ्टर ऑल भी मैं बात करता हूँ यहाँ के विकास की, ये विकास है, आप देख लीजिए हमारी सड़कों के ऊपर विकास बिखर रहा है। इस तरह से आप उस तरफ भी देख सकते हैं, जो शेड बनाई गई थी वो कुछ शेड वहाँ से उड़ के इधर गिर गई थी, वो साइड में लगा दी गई है पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई। तो ये पब्लिक का पैसा इस तरह से हवा में उड़ता हुआ। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, एके न्यूज़ चैनल पे, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं खटखट के अंदर जो टोल प्लाजा बना है NH-71 पर, उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हवा के अंदर ये जो बनाई गई साइड थी वो सारी बिखरी पड़ी है। और यहाँ पे जिस तरह से सामान इकट्ठा किया गया, मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा इधर भी कैमरा देखें, किस तरह से ज़मीन से चुक चुक के सामान इकट्ठा किया जा रहा है जो बिखर चुका था। हम इसी तरह की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर। आप देख सकते हैं टोल प्लाजा के ऊपर किस तरह की स्थिति है, आज तक आपने ऐसा टोल प्लाजा नहीं देखा होगा जो बिना छत का टोल प्लाजा है, जिसमें कि छत ही नहीं है। एक्चुअली छत तो थी लेकिन भगवान ने छोड़ी नहीं, भगवान का भी क्या कसूर, भगवान ने तो एक हवाई छोड़ी थी, वो हवाई नहीं झेल सका। ये हमारी सरकार है जिसकी इस तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को क्यों चुनती है जो इस तरह का घटिया मटेरियल लगाते हैं जिसमें कि क्वालिटी नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे पहुँचे थे टोल प्लाजा पे, तो अभी यहाँ पे मिस्टर विकास कुकरेजा, उनसे हम बात करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, नमस्कार। बोलिएगा सर, ये बताइए जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरह धूप में काम करना पड़ रहा है और एक महज एक तूफान आया था उसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा मोवंडर बन के आपकी सारी चीज़ें उड़ा ले गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? सर, हमारा तो कलेक्शन का काम है। अच्छा। और जो एजेंसी बना रही है, हाँ। जो कंस्ट्रक्शन, वो दूसरा डिपार्टमेंट है, वो हमारी कंपनी नहीं है। मेरा यहाँ पे सिर्फ जॉब है भाई, कलेक्शन करना और देना। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि आपका यह मटेरियल ठीक ढंग से नहीं असेंबल किया गया था? हमने ये बनाया ही नहीं, तो हमारा मटेरियल आएगा कैसे? आपका यहाँ पे कोई अधिकारी है जिसने बनाया हो, कोई बंदा जिसे बात कर सकते हैं? कोई जॉब ही नहीं, हमारा सिर्फ यहाँ पे फील्ड में कलेक्शन करने का जॉब है। हाँ, हमारा सिर्फ फील्ड में कलेक्शन करने का जॉब है। ओके, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है अभी फिलहाल, जिस तरह से स्थिति है, धूप है? दो तीन दिन की तकलीफ है, सबको कंफर्टेबली निकालना है यहाँ से। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे जो टोल टैक्स वगैरह ले रहे हैं साथ में,
कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ कलेक्शन गवर्नमेंट का आदेश है, हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट है रोड का, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, इसका शेड का, तो वो अपना काम कर रही है। हम लोग को जो आदेश है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। फिर भी आपने कोई किसी तरह का नोटिस या लिखा हो या किसी तरह की आपने शिकायत की हो भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम है हो रही है यहाँ पे धूप में काम करना पड़ रहा है? सर नेचुरल कैलेमिटी है, स्टाफ को दे रहे हैं सब रिक्वायरमेंट और प्लस कैप वगैरह दिया है, थोड़ा अपना सेफ्टी के हिसाब से 2-3 दिन की तकलीफ है, निकल जाएगी। नेचुरल कैलेमिटी है ये तो जी। जिस दिन ये तूफान आया था उस दिन किसी तरह की कोई जानमान की हानि हुई किसी तरह की? कुछ भी नहीं, जीरो। अच्छा, किसको कोई भी चोट नहीं लगी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो ये उस टाइम पे यहाँ अंदर बैठे थे या जा चुके थे अंदर? सर उस टाइम रात में हम लोग भी रूम पे थे। अच्छा, सब स्टाफ जैसे ही बारिश पड़ी सब लोग सेफ साइड में चले गए। अच्छा, उसके बाद में ये दुर्घटना हुई। अंदेशा हो गया था पहले से कि गिरने वाला? हाँ अंदेशा नहीं हुआ था, लेकिन सब तूफान इतना था, हर कोई सेफ्टी के लिए चला गया और टोल पे ट्रैफिक था नहीं। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मेन जो अधिकारी है वो मिला नहीं, जी जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये काम किया था, जिस कंपनी ने एजेंसी ने यहाँ पे काम किया था। तो हमने आपको पूरी स्थिति यहाँ पे दिखाई, पूरे यहाँ का जायजा लिया। जिस तरह से टोल टैक्स के ऊपर ये एक तूफान की वजह से यहाँ पे तबाही मची है और जो एक जो पब्लिक का पैसा है वो पूरा मिट्टी में मिल गया है, तो इसी तरह से दोबारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर उसके बाद फिर तैयार किया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ सिस्टम जो इंडिया के अंदर है वो हमारे पब्लिक का पैसा इस तरह से ख़राब करता जा रहा है। तो इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है और थोड़ा सा सुधार इसमें करना चाहिए और एक क्वालिटी और मटेरियल इसमें यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ। कैमरामैन देवेंद्र पत्रा के साथ मैंने ढांडा, जय हिंद। अनमोल सुखों से भरा है हमारा जीवन, अगर कुछ कमियों की वजह से आप इसका आनंद नहीं ले सकते हैं तो इसमें शर्माना कैसा। कंप्लीट सेक्सुअल चेकअप सेंटर, इस दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, सेक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है हमारे पास। कुमार फार्मेसी, पुरुषों की गुप्त रोग जैसे धात का आना, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, शुक्राणु की कमी और नपुंसकता के इलाज के लिए हमसे मिले।